हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट एलपी टेक्नीशियन के बारे में। एलपी टेक्नीशियन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो के पार्ट 2 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पर बेस्ड होंगे। पार्ट B जो के 75 मार्क्स का है, उसके लिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन भी दबा ले, जिससे कि मेरा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं वीडियो को। ए करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग वेन। अल्टरनेटिंग करंट कब कहलाती है? देखिए, अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से उसका डायग्राम होता है। अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से चलती है। तो देखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज विद टाइम। बी आंसर हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ए करंट सेड टू बी डायरेक्ट करंट यानी कि DC कब कहलाती है? DC करंट का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देखिएगा, DC करंट जो होती है वो मैग्नीट्यूड और उसका करंट की डायरेक्शन जो होती है सेम होती है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी अडोप्टिड फॉर AC जनरेशन इन आवर कंट्री यानी कि इंडिया में जो AC जनरेशन की जो फ्रिक्वेंसी है इंडिया में वो कितनी होती है? वो है 50 हर्ट्स। देखिए, फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में मापते हैं, इसका यूनिट जो होती है हर्ट्स में हम मापते हैं फ्रिक्वेंसी को। तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है AC जनरेशन की वो है 50 हर्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ए परमानेंट मैग्नेट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म कब बचा रहता है उसमें? जब उसका फोर्स कांस्टेंट हो, व्हेन द मैग्नेटिज्म फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी, जब उसका मैग्नेटिज्म फोर्स कांस्टेंट हो, जब उस मैग्नेटिज्म रिटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल ऑफ मैग्नेट, जो पोल होते हैं मैग्नेट के, इस तरह से मैग्नेट होता है ये, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो कह रहा है पोल होते हैं, तो पोल क्या होते हैं? देखिएगा, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, तो ये होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड। इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर इसे हम अलग करेंगे तो ये फिर से नॉर्थ और साउथ में बट जाएंगे, यानी कि अगर हमने इसे बीच में से तोड़ दिया तो ये फिर से इसमें एक नॉर्थ बन जाएगा, इधर एक साउथ बन जाएगा, इधर इस वाले में भी एक साउथ बन जाएगा, इधर एक नॉर्थ बन जाएगा। तो इस तरह से ये हम इन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते, उसके हमेशा दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ मैग्नेट के। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेम्परेरी मैग्नेट लॉसेस इट मैग्नेटिज्म। कब उसका लॉस होता है मैग्नेटिज्म का? टेम्परेरी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म लॉसेस हो जाते हैं, कब होता है वो? व्हेन मैग्नेटिज्म फोर्स इज रिमूव्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी, जब मैग्नेटिज्म उसका हम फोर्स मैग्नेटिज्म फोर्स हटा लेते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म जो होता है टेम्परेरी मैग्नेट का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाई। देखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है किस तरह से बनाए जाते हैं? जो आयरन, सॉफ्ट आयरन का पीस पर, ये कोयल के, किसी कोयल के टर्न्स लपेट कर उसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो बन जाता है, ये आयरन का जो पीस बन जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो देखिएगा, इसे डबल टच मेथड से बनाते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? डबल टच मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो देखिएगा दोस्तों, आपको ये कमेंट करके बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट किस तरह से एक मैग्नेट की बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन A, B, C, D दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिसको भी ये क्वेश्चन आता है कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी जो होती हैं वो रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती हैं, इसलिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है इनमें। कैसी रिएक्शन होती है? इरिवर्सिबल यानी कि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इन्हें सेकेंडरी बैटरी, जो सेकेंडरी बैटरी होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, इसलिए इनमें रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन एक्शन इज रिवर्सिबल। ए आंसर हो जाएगा इसका, केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल सेकेंडरी बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, 1 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, ये होती है देखिएगा 3.10^9 ESU, 3×10^9 ESU होती है 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी।
और देखिएगा इसी तरह वन ईसीयू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये होता है 3×10^2 volts, इसका आंसर हो जाएगा ए, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन डिपेंड्स ओपन, जो मशीन की फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो देखिएगा ऑप्शन दे रखे हैं पेयर ऑफ पोल्स, एंगुलर वेलोसिटी और रेटिंग ऑफ द मशीन, नेचर ऑफ सप्लाई, तो ये डिपेंड करती है पेयर ऑफ पोल्स, मशीन में कितने पेयर हैं पोल्स के, जैसे 2-pole, 4-pole मोटर मशीन होती है, इस तरह से 8-pole होती है, 16-pole होती है, तो ये पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल को कहते हैं उसे कहते हैं हम पावर फैक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ए पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज, जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा इसमें रेसिस्टेंस लगा होता है इस टाइप से, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है, ये एसी पावर होती है यहाँ पर, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है, इसमें सिर्फ रेसिस्टेंस होता है, तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी, इसका आंसर हो जाएगा डी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन है वो, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में प्योरली इंडक्टिव होता है, ये कॉइल होती है इंडक्टिव, इंडक्टिव लगी होती है सर, ये एसी सर्किट होता है, ये एसी सर्किट है, तो ये देखिएगा क्या होता है इसमें पावर फैक्टर, वो होता है जीरो, इंडक्टिव सर्किट में प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जीरो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इसी तरह से ये भी, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट कुछ इस टाइप से होता है, देखिएगा ये कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव सर्किट देखिएगा इस तरह से कुछ, यहाँ दो प्लेट होती हैं, ये चालक, इनके बीच में कुचालक माध्यम होता है, ये एसी सर्किट है, तो देखिएगा यहाँ पर ये सी होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो इसमें जो होता है पावर फैक्टर वो लैगिंग होता है, ए आंसर हो जाएगा इसका लैगिंग। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब द पावर फैक्टर ऑफ ए एलसीआर सर्किट ऑफ विच, जब एक्सेल जो होता है अगर बड़ा है एक्सी से, इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, ये भी लैगिंग होगा, इसका आंसर क्या होगा ए लैगिंग। देखिएगा एक्सेल जो होता है वो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π f L, यहाँ पर L जो है इंडक्टर है और F फ्रिक्वेंसी है, और इसी तरह से XC जो होता है यानी कि कैपेसिटर इंडक्टेंस वो होता है 1/2πfC, 1/2πfC यहाँ पर कैपेसिटेंस होता है C। तो देखिएगा LCR परिपथ में पावर फैक्टर जो होता है अगर एक्सेल बड़ा हो एक्सी से, यह कंडीशन अप्लाई होगी तब, तो लैगिंग होगा, ए आंसर होगा इसका लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल करंट ऑफ द पैरेलल सर्किट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये किस मेथड से ज्ञात की जाती है, देखिएगा पैरेलल सर्किट में करंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए मेथड पूछ रहा है वो, तो मेथड जो होता है इसके लिए अगर पैरेलल सर्किट में करंट फाइंड करनी हो, ये I1 और ये I2, तो इसके लिए इम्पीडेंस मेथड यूज़ करते हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इन केस ऑफ टू फेस सप्लाई द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग इज, तो टू फेस सप्लाई जो होती है उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल कितना होता है, वो होता है 90, इसका आंसर हो जाएगा सी 90 होता है। इसी तरह से थ्री फेस का देखिएगा कितना होता है, इन केस ऑफ थ्री फेस सप्लाई द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग इज कितना होता है, वो होता है 120, इस तरह से थ्री फेस होता है, यहाँ पर ये एंगल 120 बनता है थ्री फेस में, यह तीनों जगह 120 एंगल होता है थ्री फेस सप्लाई के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए थ्री फेस ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू सिंगल फेस ट्रांसमिशन इज, यानी कि थ्री फेस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंगल फेस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, अधिक होती है, क्या होती है, या सेम होती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हाइगर, थ्री फेस सप्लाई जो होती है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है सिंगल फेस की तुलना में, सिंगल फेस की तुलना में थ्री फेस की हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीफेज मोटर्स आर, पॉलीफेज का मतलब है जिसमें बहुत सारे फेज होते हैं, थ्री फेज भी हो सकती है,
फोर फेज भी, जितनी भी फेज की मोटर हो सकती हैं वो किस तरह से होती हैं, वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। इसका आंसर है बी, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं पॉलीफेज मोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन भी दबा ले जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।